बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम गणित कक्षा नौवीं में पढ़ेंगे आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। बच्चों हम इस अध्याय में देखेंगे सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा, सांख्यिकी का एक वचन व बहुवचन के रूप में अर्थ क्या है, कच्चे आंकड़े, सांख्यिकी आधारभूत सारभूत विशेषताएँ और बहुत कुछ। तो बच्चों चलिए देखते हैं सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी किसी न किसी रूप में संख्यात्मक आंकड़ों से उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सांख्यिकी जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वैज्ञानिक खोज के हर क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। आइए बच्चों देखते हैं अब सांख्यिकी परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी को निम्नानुसार परिभाषित किया है। लाविट के अनुसार सांख्यिकी वह शास्त्र है जिसका संबंध सांख्यिकी तथ्यों के एकत्रीकरण, वर्गीकरण, सरणीयन तथा संकलन से है ताकि उनका स्पष्टीकरण तथा उनका वर्णन किया जा सके। एक बार और सुनेंगे बच्चों, लाइब्रेरी के अनुसार सांख्यिकी वह शास्त्र है जिसका संबंध सांख्यिकी तथ्यों के एकत्रीकरण, वर्गीकरण, सरणीयन तथा संकलन से है ताकि उनका स्पष्टीकरण तथा उनका वर्णन किया जा सके। बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणनाओं एवं माध्यों का विज्ञान है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणनाओं एवं माध्यों का विज्ञान है। केंडल के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक घटनाओं की विशेषताओं को मापकर या गिन प्राप्त की गई सामग्री से संबंधित है। एक बार और सुनेंगे, केंडल के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक घटनाओं की विशेषताओं को मापकर या गिनकर प्राप्त की सामग्री से संबंधित है। अब आते हैं बच्चों सांख्यिकी का अर्थ एक वचन में। सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसका संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन की प्रस्तुतिकरण तथा उनसे निष्कर्ष निकालने से संबंध रहता है। अब आते हैं बच्चों सांख्यिकी के अर्थ बहुवचन में। सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्य अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य से संकलित परीक्षण होता है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है। सांख्यिकी का अर्थ है संख्यात्मक तथ्य अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य से संकलित परीक्षण होता है। अब आते हैं बच्चों प्रत्यक्ष या प्राथमिक आंकड़े या दत्त आंकड़े। जब कोई शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में कोई विशेष स्वरूप या सुनिश्चित योजना रखकर आंकड़े स्वयं एकत्रित करता है तो वे प्रत्यक्ष या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े बहुत विश्वसनीय एवं संगत होते हैं। एक बार और सुनेंगे, दत्त आंकड़े। जब कोई शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में कोई विशेष स्वरूप या सुनिश्चित योजना रखकर आंकड़े स्वयं एकत्रित करता है तो ये प्रत्यक्ष या प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े बहुत विश्वसनीय एवं संगत होते हैं। जैसे विद्यालय में कक्षावार छात्रों की संख्या, विद्यालय के छात्रों की ऊंचाई, कक्षा के छात्रों के गणित विषय में प्राप्त अंक। अब आते हैं बच्चों प्रत्यक्ष या द्वितीय का आंकड़े, अप्रत्यक्ष, जिसको हम गौण आंकड़े के नाम से भी जानते हैं। ऐसे आंकड़े जो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संदर्भ में एकत्रित किए गए हों और शोधकर्ता उन्हें अपने प्रयोग में ले, द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। एक बार और सुन लेंगे बच्चों, द्वितीय आंकड़े या गौण आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संदर्भ में एकत्रित किए गए हों और शोधकर्ता उन्हें अपने प्रयोग में लें, द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। जैसे चुनाव परिणाम का समाचार पत्र में प्रकाशन, राज्य में जिलेवार साक्षरता की दर इत्यादि। अब आते हैं बच्चों आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किसी भी सर्वेक्षण या शोध से प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध करने की व्यवस्था को इनका प्रस्तुतिकरण कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे बच्चों, किसी भी सर्वेक्षण या शोध से प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध करने की व्यवस्था को प्रस्तुतिकरण कहते हैं। विचर, प्रत्येक प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम जिससे हम मापन करते हैं विचर कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों, विचर, प्रत्येक प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम जिससे हम मापन करते हैं विचर कहलाता है। वर्गांतर, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमाओं का अंतर वर्गांतर कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमाओं का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग का आकार, किसी वर्ग की सही वर्ग सीमा का अंतर वर्ग का आकार कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों, किसी वर्ग की वर्ग सीमाओं का अंतर वर्ग का आकार कहलाता है। अब आते हैं बच्चों वर्गांक या वर्ग चिन्ह।
किसी वर्ग की सीमाओं का औसत उस वर्ग की वर्गांक्या वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहलाता है। एक बार और सुनेंगे, किसी वर्ग की सीमाओं का औसत उस वर्ग की वर्गांक या वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहलाता है। इसे निकालने के लिए बच्चों हम कहेंगे किसी वर्ग का वर्गांक बराबर वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे दो। कैसे निकालेंगे इसको हम वर्गांक को बच्चों? वर्ग की उच्च सीमा धन वर्ग की निम्न सीमा सबका बटे दो। वर्ग की आवृत्ति, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों, वर्ग की आवृत्ति, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। वर्ग की संचयी आवृत्ति, एक बार अच्छे से सुन लेंगे, वर्ग की संचयी आवृत्ति, किसी वर्ग की आवृत्ति और उसकी निम्न सीमा सभी वर्गों की आवृत्तियों का योगफल उस वर्ग की संचयी आवृत्ति कहलाती है। एक बार और सुनेंगे, किसी वर्ग की आवृत्ति और उसकी निम्न सभी सभी वर्गों की आवृत्तियों का योगफल, सभी वर्गों की आवृत्तियों का योगफल उस वर्ग की संचयी आवृत्ति कहलाती है। अब आते हैं बच्चों समावेशी वर्गों का अपवर्जी वर्गों में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी वर्ग की उच्च सीमा और उसके ठीक अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर के आधे को सभी वर्गों की निम्न सीमा में से घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। एक बार और सुनेंगे बच्चों, समावेशी वर्गों का अपवर्जी वर्गों में परिवर्तन कैसा होता है? तो इस प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी वर्ग की उच्च सीमा और उसके ठीक अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर के आधे को सभी वर्गों की निम्न सीमाओं से घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। बच्चों जैसा कि उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समावेशी वर्ग और अपवर्जी वर्ग, आप समावेशी वर्ग में देख रहे हैं अंक है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69, छात्र संख्या 4, 3, 2, 7, 6, 4। अब देखिए बच्चों अपवर्जी वर्ग में ये 9.5 हो गया, पहले 10 था वो 9.5 हो गया और जो 19 था वो 19.5 हो गया। आप देख रहे हैं इसको हम कैसे ज्ञात किए हैं, तो आप देखेंगे 19 अब पहले वर्ग की निम्न, इसमें इस प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी वर्ग की उच्च सीमा, ध्यान से सुनेंगे, वर्ग की उच्च सीमा और उसके ठीक अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को और अंतर के आधे को सभी वर्गों की निम्न सीमा में से घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं। आप देख रहे होंगे निम्न सीमा में हमने घटाया है और उच्च सीमा में हमने जोड़ दिया है आधे को, तो ये 10 जो था वो 9.5 हो गया, वही 19 था 19.5 हो गया, 20 था वो आधा कम हो जाएगा अर्थात 19.5, 29 आधा अधिक हो जाएगा 29.5, फिर 30 है तो 30 में आधा कम कर देंगे तो 29.5 हो जाएगा, जबकि 39 आधा बढ़ा देने से 39.5, इसी प्रकार 40 39.5 हो जाएगा, जबकि 49 49.5, 50 49.5 हो जाएगा और 59 59.5, 60 59.5 हो जाएगा, जबकि 69 69.5 हो जाएगा। छात्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, आवृत्ति वैसे रहेगी 4, 3, 2, 7, 6, 4। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि सांख्यिकी के अर्थ क्या है, परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार, और सांख्यिकी का एकवचन और बहुवचन के रूप में अर्थ है कच्चे आंकड़े और सांख्यिकी आधारभूत विशेषताओं के साथ साथ समावेशी वर्ग और अपवर्जी वर्ग के बारे में भी हमने जाना। तो बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। और बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।